वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े नए अंदाज से प्यारे बैंगन बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ हमारे पास प्यारे प्यारे से बैंगन है जो कि है 1.5 पाउंड यानी 700 ग्राम के आसपास। तो ये वॉश एंड क्लीन है, तो अब इसके हम ये डंठल जो है वो निकाल लेंगे इस तरह से काट लिया। तो देख ले आपको क्लीन वगैरह लग रहा है, हमारे तो सही होते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आपको जो भी करना हो इसके साथ इंसेक्ट डाइसेक्ट। तो मैं कुछ के डंठल निकाल लेती हूँ, कुछ रहने देती हूँ, जो बड़े वाले हैं उसके निकाल लेते हैं। तो ये सारों को हमने लंबाई में इस तरह से काट लिया है। तो अब हमारे पास यहाँ कुछ मसाले हैं जो कि कुछ यूं हैं कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून हल्दी। तो इन सबको मिला लेंगे और इनको अपने बैंगनों पे लगा देंगे। ग्लव्स पहन लेते हैं। ये बड़े झटपट बनने वाले हैं, बड़े यमी हैं और एज ए एपेटाइज़र भी खा सकते हैं, एज ए खाना भी खा सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो ये बैंगनों पे इस तरह से छिड़केंगे। तो ये सारे बैंगनों पे हमने लगा दिया और ये देखें खुश खुश है कि हमें तो पकाने से पहले स्पाइसी कर दिया, मज़ेदार बना दिया। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने एक पैन लिया है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं, फ्लेम रखते हैं मीडियम हाई और इसमें डाल देंगे अराउंड 4 से 5 टेबलस्पून तेल। तेल देखें हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे अराउंड 1/4 टीस्पून के आसपास हींग यानी असफेटिडा। ये गरम होना शुरू हो गया है तो इसमें अब हम अपने कुछ साबुत मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून राय दाना, 1/2 टीस्पून मेथी दाना और 1/2 टीस्पून कलौंजी। ये सब चला जाएगा इसमें। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। तो भूनेंगे 1-1.5 मिनट ही सौटे करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे अपने प्यारे बैंगन। ये हमारा प्यारा बैंगन जा रहा है। और प्यारे बैंगनों को अब भूनेंगे। खुशबुएं शानदार आ रही है, ख़तरनाक आ रही है, लहसुन की, खड़े मसालों की, आहाहा, अंदर तो जाएं आप, इन्हें तो बाहर आना है, अभी से पके बगैर बाहर आना है। देखिए बैंगन नरम पड़ना शुरू हो गए हैं, इसीलिए अब थोड़े दिखाई दे रहे हैं और एक जगह पे ज़्यादा आ रहे हैं। और इसको भूनते हुए तकरीबन 4-5 मिनट के आसपास हो गए, तब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून के आसपास पानी, आसपास डालेंगे इस तरह और इसको कवर कर देंगे और चूल्हे को मीडियम लो कर देंगे। देखिए 3-4 मिनट हो गए, खोल के देखते हैं। इसको उलटते पुलटते बहुत प्यार से देखिए गल गए हमारे बैंगन। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ हमारे पास 2 हरी मिर्चें, ये डाल देंगे।
अच्छा, बहुत प्यार से हिलाएंगे जुलाएंगे, क्योंकि ये हमारे बैंगन ऑलमोस्ट पक ही गए हैं। मसाला अच्छे से लपेट देंगे। ये देखिए, ये बैंगन जो है पतला है ना, तो इसको यहाँ साइड में कर लेंगे और मोटे वाले को बीच में कर लेंगे। इसे अब हम कवर करेंगे फॉर 2 मिनट्स। चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। देखिए 2-3 मिनट हो गए, खुशबुएं शानदार आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद। आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। ये ये देखिए, यम, कंप्लीट गले हुए, लेकिन ऐसे कि हम हाथ में पकड़ के खा सके। और हरा धनिया, ये तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से प्यारे बैंगन बन गए। और मैं ट्राई करती हूँ, रूखा खाऊंगी मैं। रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, एज ए एपेटाइजर खा सकते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। ये मेरा मिलियन डॉलर बाइट था और ये आप लोगों के लिए। शानदार, खतरनाक। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये कुक भी है कम्प्लीटली, लेकिन टूट नहीं रहे, वो ज़रूरी है। तो इसकी वजह ये है कि हमें थोड़ा सा बड़ा बर्तन भी लेना है, ताकि फैला फैला के अच्छे से करें, ओवरलैप नहीं कर दें। लेकिन जो बैंगन लवर है ना, मैं बता रही हूँ, पागल छागल हो जाएंगे। और उसके साथ नींबू छिड़केंगे तो और भी हो जाएंगे। ये देखें, एक बाइट और खा लेती हूँ। एक मेरा, एक आपका और एक हमारा, ठीक है। चलो ये खतरनाक। तो चलिए जल्दी जल्दी भागे और बनाए और मज़े करें, मज़े करवाए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।